तो दोस्तों फाइनली ऑनर 4 सितंबर को चाइना के अंदर अपना अगला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जो कि होने वाला है ऑनर 20S। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों रिलीज से पहले इस स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है, और जिससे कि यह पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एक पंच होल डिस्प्ले, जो कि आने वाला 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ट्रिपल जेल कैमरा, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में, क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग, और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों ऑनर 20 के जैसा ही आपको इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का सपोर्ट, जैसा कि ओनर अपने सभी स्मार्टफोन में यूज करती है, जो कि आने वाला है 3 कलर वेरिएंट के साथ, बटरफ्लाई व्हाइट, बटरफ्लाई ब्लैक और बटरफ्लाई ब्लू। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन में इस बार आपको बहुत ही बेहतरीन गोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ ही बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों यहीं स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है 6.26 इंच का एक फुल एचडी प्लस का स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक पंच होल डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के अंदर ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जैसा कि ओनर 20 प्रो में देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, आपको पावर बटन के अंदर ही स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर, जो कि होने वाला हाई सिलिकॉन किरिन 980 का प्रोसेसर, जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक फ्लेक्सी प्रोसेसर है, तो आपको स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड में देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ, और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 40 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि आपके फोन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चार्ज कर देगी बहुत ही फास्ट। और साथ ही में दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एंड्रॉयड क्यू का सपोर्ट, जो कि आने वाला है मैजिक यूआई 3.0 के साथ। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला 3 रैम वेरिएंट, 6 128, 8 128, और यहाँ पर आपको 12GB का भी एक वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और बात करें इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चाइना के अंदर 4 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, और दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडिया में भी आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि स्मार्टफोन को इंडिया में सितंबर के महीने में ही ऑनर 9X के साथ लाया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ लीक्स और रूमर्स और कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।